लेटेस्ट अपडेट प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मैंने अपना MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से करने के बाद अपनी फेलोशिप या स्पेशलाइजेशन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से गायनी एंड ऑब्स में की और पिछले तकरीबन 20 साल के अरसे से इसी शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं इस वक्त जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रही हूँ। आज टॉपिक जो हम अवेयरनेस मरहम के फोरम के थ्रू देना चाहते हैं वो है डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़। डायबिटीज़ जो है वो हमारे नेशन में, हमारे इस एरिया ऑफ द वर्ल्ड में आम मुल्कों के नस्बत ज़्यादा है। अगर एग्जैक्ट हम कहें तो 11-fold या 11% ज़्यादा हमारे पॉपुलेशन में डायबिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और उसके बहुत से रीजंस हैं जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं, एक हमारे पास एक राइज आया है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। हमने जंक फूड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गए हैं और हमारी फिज़िकल एक्टिविटी उतनी ही कम हो गई है। इस वजह से हमारी यंगर जनरेशन, अगर आप गौर करें तो बच्चों में शुगर का मर्ज जो है वो ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम ख़वातीन की अगर बात करें तो शुगर का मर्ज अगर बच्चे को है तो वो इन विद द पैसेज ऑफ एज वो उसके गुर्दों पे, आँखों पे असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। सो पहली बात तो ये कि हमारी बच्चियाँ, उनको अपना वेट सही लेवल पे मेंटेन करने की ज़रूरत है, फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर खुदा न खास्ता वो डायबिटिक्स हैं तो उन्हें अपनी दवा को अपने शुगर के लेवल के मुताबिक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यही बच्चियां जब हमारे आगे जाके प्रेग्नेंट होती हैं तो वो प्रेगनेंसी में या हमल में डायबिटीज़ के बहुत से कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाती हैं। कई दफ़ा वो इतने कंप्लाइंट नहीं होती या वो दवा लेना नहीं चाहती, या कई लोगों को जिससे इंसुलिन का इंजेक्शन है उसका हल, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल ना हो रही हो तो वो लगाना नहीं आता, उसको स्टोर करना नहीं आता, इस वजह से भी शुगर अनकंट्रोल रहती है। हमारे यहाँ हाई रिस्क जो केसेस कौन से हैं जो कि शुगर डेवलप कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो हमने कर दी कि हम एज एन एथनिसिटी ही हम 11-fold इंक्रीज पे हैं। दूसरा ये कि अगर हमारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, हमारे करीबी रिश्तेदारों में शुगर का मर्ज पाया जाता है तो ज़्यादा चांस है कि हम में भी हो जाएगा। और अगर वो खातून प्रेगनेंट हैं, पिछले हमल में भी वो शुगर के मर्ज़ का शिकार थी और उसमें इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती थी, तो इस हमल में भी ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि वो उसी मर्ज़ में बल्कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करेंगी। पिछली दफ़ा अगर बच्चा 4.5 या 4